आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की। इलेक्ट्रॉन के अंदर आखिरकार टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ही होती है, और इन तीनों वैल्यूज का आपस में रिलेशन क्या होता है, आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। अब कोई भी चीज अगर सर्कल में इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? mv² / r। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी जो इसे सर्कल में घुमाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r². q1 क्या है? ze, z यहाँ एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का, इनटू e/r². r है यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। अब हमें पता है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करके उस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमा रही है, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, mv² / r इज इक्वल टू 1/4πε0 ze² / r², तो हम लोग देख सकते हैं दोनों तरफ r r है, तो एक r इधर से कैंसिल हो गया और इधर से स्क्वायर हट गया, तो mv² का ये फॉर्मूला है। अब जरा याद करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इज इक्वल टू ½mv², मतलब अगर हम इस इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अगर हमने हाफ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 1/8πε0 ze² / r। ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे जरा हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आगे हमें और काम आएगा। ze² / 8πε0 r, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, 1/4πε0 q1 q2/r। अब पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग q1 q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/4πε0 q1 की वैल्यू ze, q2 की वैल्यू e, ze² / r। लेकिन यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा जरा हम लोग उसे समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए सोर्स चार्ज है q1 और ये q2, ये है ze, ये है e। ये जब इलेक्ट्रॉन जब इंफिनिटी पे था और इससे r डिस्टेंस दूरी, यहाँ पे इसका एक ऑर्बिट है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इंफिनिटी से लेकर इस पोजीशन तक लाने तक हमने विदाउट एनी एक्सेलरेशन हमने इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन तक लाया, तो हमने इस पे कोई काम किया। अब हमें पता है वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में सेव हो जाती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो सकता है, और हमें विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है तो हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा। और इलेक्ट्रॉन मूव कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लग रहा है। ठीक है, तो इससे अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ? -1/4πε0 ze² / r। अगर आप लोगों को टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है?
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अभी ऐड कर देते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आप लोग इस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपसे एग्जाम्स में टोटल एनर्जी दे देगा या फिर आपसे टोटल कोई वैल्यू दे देगा, उससे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। या तो आप इनके ये बड़े बड़े फॉर्मूले याद करिए, या तो इससे आसान तरीका है आप इनके बीच का रिलेशन याद करिए। अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जरा इसे हम लोग आजू बाजू लिखते हैं, तो क्या है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, केवल एक साइन का, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, बस। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। अब जरा इसे भी और एक्सपैंड करके लिखते हैं, माइनस 8 है ना, अब 1/8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ इंटू माइनस 1/4, 4 × 8 हो जाएगा, तो फिर यही फॉर्मूला आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा है। अब जरा आप इसे नोट करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, मतलब हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ रिलेशन। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आपको ये भारी भरकम फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये रिलेशन इस्तेमाल याद होने चाहिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोगों को इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला रटना रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का रटो, बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वो फॉर्मूला याद ही किया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, Q1 की जगह क्या लिखो, ZE, और Q2 की जगह E, तो ZE स्क्वायर अपॉन R। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया, रिलेशन में लिखो आपको टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है और इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अब ये सब हो गया, तो अब हम जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको टोटल एनर्जी दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब जरा हम यहाँ पे रिलेशन में देखें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मिनट में सॉल्व हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब 2 × −13.6 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, माइनस प्लस से पूरा इधर की उधर हो जाएगी दुनिया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। काइनेटिक एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। Thank you.